आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। परीक्षा होने के बाद भी शिक्षक बनने का सपना अधूरा, शिक्षक भर्ती पूरी करने के मांग को लेकर प्रदर्शन। दो वर्ष पूर्व में हुई जनजाति कल्याण विभाग शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने के बाद शिक्षक बनने के कयास लगाए बैठे शिक्षकों के आंस टूटने के बाद अब विरोध करना आरंभ हो गया। शुक्रवार के दिन चयनित शिक्षक शहर के हजारेश्वर पार्क मैदान में बने रंगमंच स्थान पर धरने पर बैठकर शिक्षकों ने भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की। ये है मामला। दरअसल सरकार ने विधानसभा चुनाव 2018 से पहले शिक्षा विभाग और जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से संयुक्त पात्रता परीक्षा के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के 19,220 पद पर एवं माध्यमिक शिक्षक के 11,374 पद पर भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षा आयोजित कराई, जिसकी परीक्षा और परिणाम के बाद नियुक्त हेतु दोनों विभागों द्वारा काउंसलिंग कर दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया। लेकिन एक साल बीतने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। जुलाई 2020 में दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उसे फिर बीच में रोक दिया गया। तब से प्रतिभागी नियुक्ति प्रक्रिया को दोबारा प्रारंभ करने का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक संघ ने कहा कि लॉकडाउन के बाद जब सब शुरू हो चुका है, स्कूल खुलने लगे, तो फिर चयन प्रक्रिया दोबारा शुरू क्यों नहीं की जा सकती? बेवजह चयनित प्रतिभागियों को क्यों परेशान किया जा रहा है? प्रतिभागी चयन प्रक्रिया के इंतजार में उम्र सीमा को पार कर रहे हैं। उन्हें डर है कि उम्र सीमा के दायरे से बाहर होने से पहले यदि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो उनका आखिरी मौका भी बेकार हो जाएगा। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। श्योपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। मैं सत्यनारायण शिवर संस्कृत वर्ग 1 से चयनित हूँ। सन 2018 में परीक्षा हुई और 2021 तक अभी तक ये हमारी शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो पाई, तो हमारी सरकार से मांग है कि इसको जल्द से जल्द जो पूरी करें। और इस तरह के हमने धरने प्रदर्शन कई बार पहले अवगत सरकार को करा दिया है, धरने प्रदर्शनों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, कई माध्यमों से हमने सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार बहाने लगाकर 3 वर्ष पूरे निकाल दिए सरकार ने, लेकिन अब तक हमारी भर्ती पूरी नहीं हुई। अगर ये भर्ती इस धर एक दिवसीय हम आज हमारा धरना है, इसके बाद भी अगर ये पूरी नहीं होती है तो ये धरना जो है लंबे समय तक चलेगा और आगे भोपाल तक भी इसकी जो आवाज़ जाएगी, और भोपाल में भी हम जो है सारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के लोग इकट्ठा होके आगे धरना प्रदर्शन करेंगे।